ಅವನು ವಚಕರೇ ಆದರಣೀಯ मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल का आभार व्यक्त करता हूं। इस चुनाव में भव्य विजय के लिए मैं भाजपा के केंद्रीय नेतागण, मंत्रिमंडल के सदस्य, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, अन्य राज्यों के हमें चुनाव में सहायता करने आए हमारे महिला एवं पुरुष कार्यकर्ता, गुजरात भाजपा के 80 लाख कठोर परिश्रमी पेज कमेटी के कार्यकर्ता और सदस्यों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भाजपा कार्यकर्ताओं का विजय संकल्प लेकर चुनाव के मैदान में उतरे ये हमारे लाखों कार्यकर्ताओं ने अपने अप्रतिम परिश्रम से जनता की सेवा करते हुए ये विजय प्राप्त किया है। मैं जब पूरे प्रचार अभियान पर नजर डालता हूं तो मेरे मन में 3 शब्द आते हैं, संकल्प, कठोर परिश्रम और संतोषजनक परिणाम। चुनाव अभियान में मुझे सबसे ज्यादा प्रसन्नता कार्यकर्ताओं के उत्साह और उनके अथक परिश्रम को देखकर हुई। चुनाव प्रचार अभियान कार्यकर्ताओं के लिए जीवन का एक यादगार अनुभव होता है। यह संगठन के दृष्टिकरण और विस्तार का अवसर होता है। जनता और संगठन के रिश्तों में विश्वास और मजबूती लाने का भी अवसर होता है। कार्यकर्ता घर घर जगे, उन्होंने पार्टी के संदेश और आदरणीय प्रधानमंत्री की केंद्र की सरकार और गुजरात में भूपेंद्र पटेल जी की सरकार के विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाया। हमें उन पर बहुत गर्व है। हमारा प्रचार भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता के कठिन परिश्रमों की कहानी है, जिसने एक बेहतर गुजरात के सर्जन के लिए निस्वार्थ योगदान दिया है। भाजपा की यह भव्य विजय 27 वर्ष के भाजपा के सकारात्मक कार्य का विजय है। हमने जनता की सेवा और कल्याण को आदर्श मानकर कार्य किया। हमने अपने प्रचार अभियान के दौरान सुशासन और विकास के हमारे जो वादे थे वो साकार किए। संकल्प को गुजरात के हर कोने तक पहुंचाने का प्रयास किया। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकास कार्यों को धरती पर उतारने का काम गुजरात की भूपेंद्र पटेल सरकार कर रही है। हम भव्य गुजरात, वैभवशाली गुजरात और अग्रसर गुजरात का सपना साकार करने का लक्ष्य लेकर चले हैं। गुजरात की जनता ये जानती है और समझती भी है कि गुजरात का विकास केवल और केवल आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन वाली सरकार ही कर सकती है। इसी का परिणाम ये चुनाव के नतीजे हैं। सबको मेरा नमस्कार। गुजरात विधानसभा चुनाव का जनादेश अब स्पष्ट हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ के सारथी हम सब के नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई ने पहले ही कहा था कि गुजरात की जनता यह चुनाव लड़ रही है।
गुजराती जनता ने यह मन बना लिया है कि दो दशक से चली आ रही गुजरात की इस विकास यात्रा को अविरत चालू रखना है। और वास्तव में हुआ भी यही, गुजरात के लोगों ने एक और कार्यकाल के लिए श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी को राज्य के शासन की जिम्मेदारी सौंप दी है। एक बार फिर गुजरात के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी पर अटूट भरोसा और विश्वास दिखाया है। गुजरातियों ने एक बार फिर विकास की राजनीति को समर्थन किया है। यह एक बार फिर साबित हो गया है कि गुजरात के लोग अपने प्रिय नेता श्री नरेंद्र भाई पर अपार विश्वास, प्रेम और आशीर्वाद की वर्षा करते हैं। गुजरात की जनता के इस जनादेश को हम विनम्रता पूर्वक स्वीकार करते हैं। गुजरात की जनता ने एक बार फिर देशद्रोही तत्व को नकारे और राष्ट्रवादियों को सेवा का मौका दिया है। झूठा प्रलोभन देकर जनता को ठगने वाले लोगों को जनता ने ही नकार दिया, क्योंकि गुजरात की जनता को सिर्फ विकास चाहिए और नरेंद्र भाई का नेतृत्व चाहिए। इस चुनाव में जीत के लिए भाजपा के एक एक कार्यकर्ता को जितना धन्यवाद और बधाई दी जाए वो कम है। भाजपा की जीत के पीछे कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत, पूरी लगन और संकल्प है। भाजपा का हर एक कार्यकर्ता जन सेवा के लिए भाजपा का प्रमुख सिपाही बना है, न किसी पद, प्रतिष्ठा या लाभ के लिए। भाजपा के इस जनाधार को श्री नरेंद्र भाई जैसे हमारे समर्पित नेतृत्व ने बनाया है और इसे बचाए रखना अब हमारा कर्तव्य है। भाजपा का ध्येय जनता का विश्वास बनाए रखना है। हमारा संकल्प जन कल्याण है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्रद्धेय अटल जी और अब वैश्विक नेता श्री नरेंद्र भाई के पद चिन्हों पर चलकर सेवा ही साधना हमारा मंत्र है। इस चुनाव में हमारी जीत का एक कारण हमारे लोकप्रिय और वैश्विक नेता आदरणीय नरेंद्र भाई और यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह साहब का निरंतर मार्गदर्शन भी है। वे एक आम कार्यकर्ता की तरह हमारे साथ रहे, लगातार हमारा मार्गदर्शन किया। इसके लिए आदरणीय श्री अमित भाई जी को विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्होंने हमारे छोटी बातों का ध्यान रखा और वे हमारे साथ चले और हमें निरंतर प्रेरित करते रहे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, केंद्रीय मंत्रियां, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियां, मंत्रियां और प्रदेश अध्यक्ष सी आर पाटिल जी और रत्नाकर जी और गुप्ता जी, अन्य सभी ने एक बार फिर सामूहिक नेतृत्व के साथ गुजरात में भाजपा की विजय पताका लहराई है। साथियों, ये जितना जश्न मनाने का मौका है उतना ही ये परिव्यक्ता और साथ विचार करने और जनता को विश्वास व प्यार को समझाने का अवसर भी है। जनता के विश्वास के प्यार को भी समझने का अवसर है। अगर गुजरात की जनता बार बार भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदारी सौंपती है तो आइए हम आदरणीय नरेंद्र भाई के दिशा दर्शन में पंचनिष्ठा और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करें। राज्य के विकास और कल्याण के अपने लक्ष्य की और हमें तेजी से आगे बढ़ाएं। साथियों, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प अन्य पार्टियों की तरह सिर्फ चुनावी वादों का घोषणा पत्र नहीं, बल्कि यह गुजरात की अगले 5 वर्षों की लंबी सुनियोजित और वैश्विक यात्रा का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई के मार्गदर्शन में बना हुआ दस्तावेज है। पिछले 2 दशक से हमने आदरणीय नरेंद्र भाई के नेतृत्व में जन सेवा को साधना बनाकर गुजरात के कोने कोने में विकास किया है।
हम सभी को गर्व है कि गुजरात आज पूरे देश का ग्रोथ इंजन बना है। प्रदेश का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां भाजपा सरकार ने सेवा और सुविधा नहीं दी हो। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी की कड़ी मेहनत और मार्गदर्शन का परिणाम ही है कि गुजरात आज शासन और विकास के सभी मानकों पर देश में अग्रणी है। अब इस विकास यात्रा को और तेज गति देने हैं। इस संकल्प पत्र में श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने सैचुरेशन 100% लाभार्थी तक पहुंचने का जो विचार दिया है उसे आने वाले दिनों में चरितार्थ करने का पूरा रोडमैप है। गुजरात कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर कोष के तहत एपीएमसी, किसान मंडियां, वर्गीकरण ग्रेडिंग यूनिट्स, कोल्ड चेन, वेयरहाउस, प्राइमरी प्रोसेसिंग यूनिट्स आदि के आधुनिकीकरण पर 10,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। यह हमारा संकल्प है। 25,000 करोड़ रुपए की लागत से पूरा गुजरात में सुजलाम सुफलाम, शौनी, लिफ्ट इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन, डीप इरिगेशन और अन्य तरीकों के माध्यम से कृषि सिंचाई के मौजूद नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा। यह भी हमारा संकल्प है। पशुधन के व्यापक देखभाल को सुनिश्चित करने के लिए गौशाला में 1,000 अतिरिक्त मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों का निर्माण और प्रत्येक पशु की टीकाकरण बीमा की व्यवस्था की जाए। हम देश का पहला ब्लू इकोनॉमी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाएंगे। दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में 2 सी फूड पार्क को शुरू करेंगे और फिशरीज सेक्टर के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेंगे। आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा दिए गए नए भारत के निर्माण में हमारा संकल्प है कि अगले 5 वर्ष में युवाओं के लिए 20 लाख रोजगारी का सृजन किया जाएगा। देश में पहली बार 3,000 किलोमीटर लंबी और पूरे गुजरात को कवर करने वाली 4 से 6 लेन की परिक्रमा पथ हमारी नई सरकार बनाए। हमारा यह संकल्प पत्र 2022 गुजरात को आदरणीय नरेंद्र भाई के मार्गदर्शन में और अधिक ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए भाजपा की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जो लोग वंचित है, दूरवंशी इलाकों में रहते हैं, ऐसे गरीब परिवार अब हमारे प्रयासों के केंद्र में होने चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र दिया। उनके इस सूत्र को हम चरितार्थ करेंगे। आइए हम श्री नरेंद्र मोदी की मेहनत को सार्थक करें। आइए हम सब मिलकर भारत माता को विश्व गुरु बनाने के लिए कार्य करें। अगले 25 साल देश और राज्य के लिए अमृत काल है। जब देश आजादी को 100 साल मना रहा होगा और श्री नरेंद्र भाई के नेतृत्व में विकास का नया इतिहास बनेगा तो इसकी शुरुआत गुजरात से ही होगी। आइए गुजरात को समृद्ध बनाए और विकास की नई ऊंचाइयों के हौसले करें। इतनी बड़ी संख्या में यहां आकर आप सभी ने जो प्यार और समर्थन जताया है इसके लिए आप सभी का हृदय से आभार मानता हूं। एक बार फिर गुजरात की जनता जनार्दन के इस जनादेश को हृदय से स्वीकार करते हुए प्रत्येक गुजरात वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और अभिनंदन करता हूं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय जय गरवी गुजरात। देखो, दोनों ने अपने आप को गिरवान में देखना चाहिए। कांग्रेस जो राष्ट्रव्यापी पार्टी थी, राष्ट्रीय पार्टी थी, धीमे धीरे वो खत्म हो गई। उनके जो महारथी थे, जैसे 9 सीट गुजरात में ऐसी थी जो कांग्रेस ने आजादी से आज तक कभी नहीं हारी, उसमें से करीब 7 सीट, 6 के 7 सीट वो इस बार हार गए हैं। तो उनका जो जनाधार था वो खत्म हो रहा है। वो जनाधार को टिकाने के लिए, उनका विश्वास संपादन करने के लिए पूरे गुजरात के लोगों को उनको विश्वास दिलाना चाहिए कि वो लोग लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, देश के लिए काम करना चाहते हैं। उनका जो रिकॉर्ड हुआ है कि जब भी वो सत्ता में रहे तो कौभांड किए, बड़े बड़े भ्रष्टाचार किए। ये जो किस्से आप सबके माध्यम से, जो
जो बाहर आए उसके वजह से भी उनका जनाधार टूट गया है। मनोज्ञा जी हाँ बोलिए बोलिए। देखो आम आदमी पार्टी का यहाँ कुछ था नहीं, पूछिए। उन्होंने इस तरह के जो वादे किए जो कभी जमीन पर नहीं उतार सकते, ये गुजरात की जो अस्मिता है, गुजरात का जो मानसिकता है, वो कभी उन्होंने सोचा नहीं उसके बारे में। गुजरात के लिए मैं कई बार कह चुका हूं कि क्या गुजरात है, गुजराती क्या है। वो अगर हाथ लंबा करता है तो देने के लिए करता है, मांगने के लिए कभी नहीं करता, ये गुजरात है। और वहां पर आकर उन्होंने मुफ्त में बिजली, मुफ्त में पानी, मुफ्त में एजुकेशन की बात की। यहाँ पर लोग 40 साल के जो अलग अलग गांव में जाकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जहाँ स्कूल नहीं थी वहां स्कूल बनाई, जहाँ आदिवासी क्षेत्र में जहाँ साइंस कॉलेज या साइंस माध्यमिक हाईस्कूल नहीं थी वहां पर बनाए, उसके वजह से आदिवासी क्षेत्र के लड़के वो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। उन्होंने गुजराती में ही पढ़कर लड़का कोई भी युवा और डॉक्टर बन सके उसके लिए उन्होंने हर भाषा में वो पढ़कर और पढ़ाई कर सकते, ऐसी व्यवस्था की। ये जो किया है वो लोगों के लिए किया, उन्होंने वादे किए थे, यहाँ काम किया है, काम के आधार पे वोट मिला, यहाँ वादे नहीं थे। जो जमीन पे काम उतर गया था वही बात की गई है।